बात करते हैं रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से। पारस जी, आपकी एक दिन पहले मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, क्या आप लोग एनडीए में बने रहेंगे? परसों रात में माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और बिहार के प्रभारी माननीय तावड़े साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ में समस्तीपुर के सांसद और बिहार हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी मौजूद थे। बहुत अच्छे स्वार्थपूर्ण वातावरण में हमारी बातें हुई। उनसे जो भी शिकायत था वो दूर हो गया और हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में जो 40 लोकसभा का सीट है और पूरे देश में जो अभी एक एनडीए के पक्ष में हवा है 400 पार, तो हमारी पार्टी और हमारा फैसला है कि हम बिहार में जो 40 लोकसभा क्षेत्र है, 40 लोकसभा क्षेत्र पर हमारी पार्टी के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जहां जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊंगा। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैंने पहले ही 40 जगह का मैंने पहले ही प्रभारी नियुक्त किया, हमें हमारी पार्टी की तरफ से नियुक्त हो चुका है। और 6 तारीख को पटना में पार्टी कार्यालय में हमारी पार्टी की बैठक है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला के सभी जिलाध्यक्ष, सभी विंग्स के अध्यक्ष और प्लस दलित सेना मेरा संगठन बहुत मजबूत संगठन है पूरे देश में, ये सभी लोगों की बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में 11 बजे दिन से। उसमें सेंट्रल के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी संख्या में जाएंगे और बिहार के तमाम लोग रहेंगे और उसमें एक फैसला लिया जाएगा। फैसला तो पहले से लिया गया है, एक निर्गत किया जाएगा कि प्रेस मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी कि हमारी पार्टी, हम एनडीए के सहयोगी दल हैं। मैं शुरू से ही कहता था कि मैं राजनीति में जब तक जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा और हमारी पार्टी का फैसला भी है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और 40 लोकसभा सीट जो है उस पर हमारी पार्टी तन मन धन से हम पूरे बिहार में 40 के 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व आज के तारीख में इतना अधिक है कि अपने देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में उनकी उपलब्धि हुई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, एक कल्पना है, लेकिन साक्षात इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उसके ये संरक्षक हैं। और सभी लोगों ने, और हमारी अपनी मान्यता है, हमारा अपना सोच है कि ये ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए। सर, आपने कहा कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर हम समर्थन करेंगे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन 40 में 5 सीटें हैं जो कि लोजपा रामविलास के खाते में गई हैं। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव मैदान में हैं, बाकी 4 सीटों पर देखा जाए और हैं। पांचों पर आप समर्थन देंगे लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों को और चिराग पासवान को? मैं 100% 40 सीट पर समर्थन करूंगा, चाहे लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है, उस विरोध को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और उसमें बिहार भी है, बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगली बार 40 से 39 सीट हम जीते थे, इस बार हमारी पार्टी का लक्ष्य है या पूरे एनडीए का लक्ष्य है कि हम 40 में 40 सीट जीतें, चाहे उसमें चिराग पासवान जी का 5 सीट हो या हाजीपुर का सीट हो, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा। आपने कहा कि जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, उसमें सारे गिले शिकवे दूर हो गए। क्या गिले शिकवे थे और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई कि जो गिले शिकवे थे आपके दूर किए गए? नहीं, गिला शिकवा ये था कि जैसे हमारी पार्टी है, हम 5 सांसद थे तो किसी कारणवश हम लोगों को मौका नहीं मिला, इसी बात की जानकारी मैंने उनको दी और उन्होंने भी मुझको अपनी बात कही, तो गिलबाजी का समाप्त हो गया और पूरी ईमानदारी से हम 40 सीट पर, हमारा पार्टी, हमारी पार्टी के जो संगठन में हैं लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तन मन धन से हम लोग एनडीए गठबंधन को साथ दें। आगे आपकी पार्टी का कदम क्या होगा, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग लगेंगे, आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे? 100% इस चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद, अभी तकरीबन 1.5 बरस समय है,
विधानसभा का, हम अपनी पार्टी के संगठन को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में हम खुद जाने का प्रयास करेंगे और पूरे पार्टी के संगठन को हम मजबूत करेंगे। एक आखिर में महत्वपूर्ण सवाल है सर, आने वाले दिनों में क्या पशुपति पारस हों, प्रिंस राज हों, दोनों लोगों के बारे में कई तरह की चर्चा थी कि कोई पद दिया जा सकता है या राज्यसभा में भेजने के बाद या कुछ और, इस तरह का कुछ आश्वासन मिला है? देखिए तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है, समय आने दीजिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता, समय का इंतजार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस।